दर्शक बंधु एबे प्रत्येक समय रे ऋतुर परिवर्तन होउछि केबे अधिक गरम लागुछि त केबे अधिक ठंडा लागुछि आ अधिक ठंडा हे गेले अनेक लोकक ठारे देखा जाय ठंडा काश आ ए काश हेबा मात्रे कफ भी होइथाय केतेकांश लोकक ठारे एहा आपे आपे ठीक होइ जाय त आउ केते बेले एहा लंबा समय धरि अनेक लोकक ठारे रहि जाय आ एथि पई अनेक लोक बहु खर्चांत मध्य करिथांदे तबे एई सबुथुरु मुक्ति पाया पई असंतु जानिबा आयुर्वेद चिकित्सा मध्यरे किपरि होइ परिबो कासर चिकित्सा आयुर्वेद रे गरम पानी को अनेक रोगर चिकित्सा बोली कहा जाय अल्प मात्रा रे उसुम पानी पीबा द्वारा गला को आराम मिलिबो एवं कफ मध्य मळ जरिया रे बाहर को बाहरी जीवो एहा छडा लुण मिसा पानी पीबा द्वारा सब प्रकार रो काश दूर होई परिबो मोहुर एंटीबैक्टीरियल गुण काश ठारु जल्दी आराम देथाय मोहु को प्रत्येक दिन चाटी की खाइबा द्वारा काश दूर होइथाय एहा सह रातिरे सोइबा पूर्वरु एक चमच मोहु पियंतु आउ एथिरे अल्प अळेच एवं लेंबु रस पकाई 3 दिन पियंतु काश संपूर्ण भलो होइजिवो अदा खंड को मोहु सहित मिसाई चोबाइबा द्वारा तुरंत उपशम मिलिथाय अदार अन्य एक तरीका हेउची अदार रस बाहर करी मोहुर किछि बुंदा मिसाई पीबा सेपरी खीरे हलदी मिसाई पीबा द्वारा अनेक उपशम मिलिथाय कारण हलदीर एंटीबैक्टीरियल गुण आराम देथाय तुलसीर काढ़ा ना केवल शरीर को गरम प्रदान करिथाय बरं कासरे मध्य आराम जोगाइथाय अदा गोलमरीच एवं तुलसी पत्र को एका साथीरे फुटाई काढ़ा बनाई एहा को नियमित पीले कासरु मुक्ति पाइबे ब्यूरो रिपोर्ट बीबीएम टीवी।